Rage on that beat, going crazy. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दोस्तों, कल अपन इधर आ चुके हैं झारसुगुड़ा, और आते साथ भाई ऐसा सोया, मतलब नींद लग गया था पूरा। सुबह उठा था और इधर आके मतलब थक गया था पूरा, सोया। फिर रात को उठा, फिर डिनर किया, फिर दोबारा से सो गया। तो यही चला, तो ऐसे करके कल दिन पार हो। खैर, अभी फिलहाल मैं बना रहा हूँ चाय इधर गर्मा गर्म, क्योंकि पता है ये भाई साहब को देखो, ये देखो ये चाय बना। बस सुबह उठो, ब्रश करो और फिर चाय बना, ऐसा है। चाय बना, एक दिन बोला उससे ही हो गया। तो मैं भी बना रहा हूँ चाय। इधर देखो, चावल भी पक रहा है, चाय भी बना रहा हूँ। और मम्मी जी तो आज पूजा कर रहे हैं, सोमवार है, तो पापा जी पूरा एकदम फल फूल सब कुछ ला के रख दिए। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। ये क्या चल रहा है, डंडा लगा के रखा है। ट्राइपॉड को बना देंगे गिम्बल। और क्या निरामिस है, नॉन वेज चाय बोल रहा है, पिलाओ मेरे को बिना चीनी वाला है। चाय क्यों पीना जब बिना चीनी वाला नहीं पीना है, तो मत चाय पियो। चीनी को अंग्रेजी में क्या बोलते, शुगर क्या होता है चीनी का। तो चाय क्यों पीता है फिर, चाय मत पी। इसीलिए तो बिना चीनी खाएगा ना। क्यों पीना है, पीना है मतलब क्यों पीना है, चाय पीना ही नहीं। जब चाय चीनी छोड़ रहा है तो चाय ही छोड़ दो। एक बार बनाया उसका डायलॉग देख रहा है, बनाना ही पीना ही क्यों है, बात ही खत्म, बनाना ही पड़ेगा। हाँ, सिंपल, एक बार अपना चीनी वाला चाय बनाओ, फिर उसके बाद बिना चीनी वाला, मतलब एक बार बिना चीनी का उठा वाला से फिर चीनी डालो, बोलना ही मत, दोनों एक बार, बात ही खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, चीनी अगर नहीं लेना है तो चाय क्यों पीना है फिर, चाय मत पियो, कॉफी पियो। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, अब सही लग रहा है। खैर दोस्तों, अभी लंच करते हैं, बाहर हो रहा है प्रैक्टिस रिहर्सल 15 अगस्त के लिए, तो मम्मी जी आज उपवास करेंगे। टीवी में देखने का मजा ही कुछ और है। क्या दिख रहा है मोबाइल में, देखो ना, तो थोड़ा सा ये लगता है, बट ये क्या हो रहा है? अरे ये सब्जी है। ये देखो सब्जी, कुड़ूम कुड़ूम दोस्तों, ये देखो कुड़ूम कुड़ूम। यही है लंच, कर लेता हूँ और उसके बाद एक काम है वो भी करना है, एडिट। Few moments later. पीसी ओके गाइस, अभी बहुत काम बाकी है इधर। इधर आए हो ना, ये देखो, ये सब पूरा डस्ट वगैरह से भर चुका है, लैपटॉप का लगा पड़ा है भाई, बहुत खतरनाक। इसका SSD PC में लगा दिया हूँ, तो इसको बूट करने के लिए कोई अदर मतलब है ही नहीं। NVMe मंगाया तो वो काम नहीं कर रहा है मतलब PC में, तो SSD मंगाना पड़ेगा। लैपटॉप अभी ऐसे ही रहने देते, और ये सब जो है ये सब साफ सुथरा करूंगा। शाम होते ही दोस्तों हमने PC को पूरा खोला, फिर दोबारा से लगाया। देखो यही होता है, आप YouTube से देखोगे लगेगा भाई बहुत ईजी है, बना लेंगे ठीक है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो बहुत दिक्कत है ऐसा फेस करोगे। लेकिन कोई मतलब छोटा मोटा नो कॉमन सबके साथ ऐसा होता है ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा था, NVMe जो है M.2 वो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो जो चीज़ है
वो एक अलग से दिमाग खराब करके रखा है, तो दूसरा NVMe मंगा के एक बार चेक करेंगे, नहीं तो फिर SSD जो है वही लगाएंगे, 1 TB का SSD मंगा लेंगे, जो स्टोरेज लैपटॉप के लिए होता है, मतलब सबके लिए होता है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हार्ड डिस्क को चेंज करके SSD लगाया था लैपटॉप में, और वो SSD साटा SSD PC में लगा दूंगा, और वो एकदम मक्खन जैसा मतलब यूज़ में आ रहा है। ऐसा होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, जब भी आप PC बिल्ड करोगे ना कुछ फॉल्ट निकल के आएगा, अगर नहीं आया तो भाई आप बहुत नसीब वाले हो। ठीक है, खैर जो भी है थोड़ी देर बाद चेक करेंगे TV में, क्योंकि मॉनिटर भी नहीं बाय किया हूँ, मॉनिटर भी बाय करना पड़ेगा। अभी चल रहा तेनालीरामा, तो ये ख़त्म होगा, मतलब ये एकदम रात 11 बजे तक चलता रहता है, तो वो बंद होगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना PC वाला काम। और घर आते साथ देख रहो धोबी घाट, इतना सारा कपड़ा भी टांगना बाकी है, कहाँ टांगे पता नहीं, मम्मी जी तो लगे पड़े हैं, इस घर में भी लग रहा है। तो इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे जो करना है। तो गाइस जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, अर्थिंग का प्रॉब्लम था वो हो गया, और अभी मस्त चल रहा है, तो अब फाइनली जाके कुछ काम कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी वाला काम निकाल सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था, और कल रात को जल्दी मतलब वही सब करते करते ना नींद आ गया, फिर सो गया, अभी थोड़ी देर पहले उठ के बस वही कर रहा था, फिर पता चला अर्थिंग का प्रॉब्लम है, हम लोग नीचे दे रहे थे लेकिन वहाँ काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए दिमाग मतलब घूम गया, भाई क्यों काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब बाद में उसको बोर्ड मतलब ये जो घर है यहाँ पे अर्थिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत आ रहा था। खैर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, और आप PC आराम से चला सकते हैं। खैर इस वीडियो को भी दोस्तों इधर ही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।